ठीक है सर, आप बेफिक्र हो जाओ, आप दे दो उसको, इंशाल्लाह भले वो शेजोर बन के हो जाए। ओके अल्लाह हाफिज। साहब ये मेरा पास साहब, इसका बड़ा नुकसान हुआ है, हमारा फसल नुकसान हो गया है, डर डर गए, 3 दिन से रास्ता नहीं है, राशन नहीं है, सब मेहरबानी करो, कुछ करो, बड़ी परेशानी है। जरा बात सुनो, ये कौन सी पार्टी से? इस पार्टी से। अच्छा अच्छा, इस पार्टी से। हाँ जाओ तहसीलदार को दो, विजिट करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, सर्वे करेगा, फिर देखते हैं। तब तो मैं दवा विजिट करेगा, सबको बताया हमारे गांव में नुकसान हुआ है, जानवर गए, फसल गया, अभी भी रिपोर्ट बनेगा। आपने पीड़े को सामान दिया हमारे गांव के लिए, उसने सब अपना औकात में रख लिया। आप अभी जाओ तहसीलदार के पास, फिर देखते हैं। फिर क्या देखेगा, रखो अपने पास, गरीबों का आला मालिक है। साहब हमारा बहुत नुकसान हुआ है, हमारा एक बकरी का बच्चा भी मर गया है। साहब ये पहले भी 2 दफा ले गया है। अच्छा कौन से पार्टी का ये? उस पार्टी का है। अच्छा उस पार्टी का है, ये पकड़ो, 40 कट्टा राशन, 4 टैंक और बाकी जो बड़ा है उसमें से कुछ दो। चलो आपका काम हो गया, आगे बता देंगे। शुक्रिया साहब। सही सही, कौन सी पार्टी गई है? सही पता नहीं, तुम किसका बंदा है? भाई हम अल्लाह का बंदा है। ये पकड़ो, आप चले जाओ फिर देखते हैं। यार आपके इलाके में तो पानी वानी आया ही नहीं है, आप क्यों आ गए? अभी आपके पास फोन नहीं आया था, वो मेरे लिए तो बात किया था, पानी आया नहीं है, सरकारी सामान आप दे दो। एक मिनट में आपकी बात कराता हूँ। अभी मोहतार साहब डीसी साहब से गाल तो नहीं, नखरा तो करे। हेलो सर, सर 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 कैसे हैं आप? खेरूत से, तबीयत सही ठीक ठाक? सर आपने क्यों काम का तकलीफ की? सर हमारा ही बच्चा है, वो शेजर दे दो सर। जी जी सर सही है सर, अल्लाह हाफिज सर। बख्तार आप पहले ही बता देते, खाम का साहब को तकलीफ दी आपने, और गोदाम में जितना चाहिए दे दें। जाओ हम इसके इलाके में तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं है, तुम जाओ यार काम करो, खान खान में तो जो ना इधर से ट्रांसफर कराओगे। बेटा आप जाए जितना चाहिए ले जाओ, जाओ।